नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में कोरोना के बाद अब पैर पसारे डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर निगम ने फॉगिंग की तरफ अपना विशेष ध्यान दिया है, जिसके चलते नगर निगम ने अपनी पुरानी फॉगिंग मशीन के साथ ही चार नई मशीनों को भी शहर में फॉगिंग के लिए लगाया है। दरअसल शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले के बाद अब नगर निगम ने शहर में सुबह और शाम चार चार घंटे शहर में क्रूड ऑयल का छिड़काव करने के साथ ही फॉगिंग के लिए चार नई मशीनों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जहां आधुनिक मशीनों से अब रोजाना सुबह और शाम फॉगिंग का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो डेंगू की रोकथाम के लिए अब निगम प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है, जो फॉगिंग के साथ ही कई अन्य तरह के अभियान भी शहर भर में चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन के निर्देश पर और आयुक्त महोदय के निर्देश पर पूरे शहर में सुबह लगभग चार घंटे और शाम को चार घंटे, चार से लेकर आठ बजे रात तक शाम को और सुबह लगभग आठ बजे से लेकर ग्यारह बारह बजे तक प्रत्येक जोन की टीम रहती है, जिसमें कि हमारे हेल्थ ऑफिसर, CSI, ZOs और जो हमारे NGO की टीम है वो लगातार भ्रमण करती है और जहाँ पर क्रूड ऑयल डालना है वो क्रूड ऑयल डालते हैं, साथ में जहाँ पर हमें सीकर से दवा को छिड़काव करना है वो छिड़काव करते हैं, और जो हमारी फॉगिंग मशीन है जो प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो दो तीन तीन है उसके द्वारा हम फॉगिंग करते हैं। पर साथ ही हमारे NGO की टीम लगातार घर घर जाकर लोगों को बताती है कि किसी प्रकार से भी आपके पास फ्रेश वाटर इकट्ठा ना हो जहाँ पर कि डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। चूँकि और अभियान को हम और तेज़ी से करने का प्रयत्न लगातार कर रहे हैं, इसी के तारतम्य में ये जो चार बड़ी बड़ी मशीनें और इसी एक साइज़ की एक हमारे पास ऑलरेडी मशीन है, तो चार ही बड़ी मशीन जिसमें कि जिसकी कैपेसिटी लगभग है ना 110 लीटर डीजल की है और इसमें जो डेंगू भगा मारने की दवाई रहती है उसको भी हम मिलाते हैं, और ये मशीन की कैपेसिटी इसी कि एक बार भरने के बाद हम लगातार चार घंटे तक इससे फॉगिंग कर सकते हैं। तो इससे हम पूरे शहर में दिन भर इसको कवर करेंगे, सुबह चार घंटे भी और शाम को चार घंटे में। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि इन मशीनों और जो हमारी फॉगिंग मशीन है उनको क्लब करते हुए इस प्रकार से करें कि एक वार्ड या ऐसे स्थल जहां पर कि मच्छर के पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा है उनको हम डेली 100% कवर करें। साथ ही जो भी हमारे जनप्रतिनिधि उनसे हम लगातार कॉन्टैक्ट में, लोगों से ज़्यादा लगातार कॉन्टैक्ट में, और जो मलेरिया की टीम है जिला स्तर पर वो हमें लगातार कहां कहां पर डेंगू केसेस हैं, कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं, वहां पर हमारी बहुत ही इंटेंसिव ड्राइव लगातार चल रही है। छोटी बस्तियों की बात करें, स्लम एरिया में वहां पर कितनी टीमें काम कर रही हैं? देखिए ना, स्लम में अभी कुछ ही दिन पूर्व आयुक्त महोदय के द्वारा एक पूरी स्लम्स की पूरी जानकारी एकत्रित करके उसमें पूरी टीम का डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगभग प्रत्येक जोन में 8 से 10 स्लम्स डेली हम कवर करते हैं, और जो डेली हम कवर करते हैं इसमें CSIHO की टीमें साथ साथ जो हमारी उद्यान की टीम है वो भी रहती है, बिजली की टीम भी रहती है और मलेरिया की टीम भी रहती है, एक पूरी कंप्लीट टीम रहती है जिससे कि वहाँ पर कोई भी संभावना जिससे कि मच्छर पनप सकते हैं या पानी इकट्ठा हो सकता है उसको पूरी तरीके से रूल आउट करें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।